दोस्त को वेलकम करने के लिए गजरा पहनाना शुरू कर दिया। नहीं, दूसरे हाथ में भी फराज साहब दूसरे हाथ में, फिर बेशक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कुछ इस तरह है कि आज हमारा दोस्त आ रहा है दुबई से एक साल बाद, तो उसने घर वालों को सरप्राइज़ देना था, तो उसने सिर्फ हमें बताया है कि मुझे आके पिक कर लें। तो अब शुमाइल और मैं जा रहे हैं पिक करने के लिए। जी शुमाइल भाई, ऐसे कि हम अपने दोस्त फराज को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट, और काफ़ी दिनों बाद मुस्लिम भाई के कहने पर मैंने आज पैंट शर्ट पहनी है कि हमारा दोस्त बाहर से आ रहा है दुबई से, तो हम भी उसकी तरह के लगे, ये ना हो कि एयरपोर्ट पर जाएं हमने चलवार कमीज पहनी हुई हो और आगे से हमारा दोस्त पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो, हमें पहचाने ही ना। और हमें एक डर ये भी है कि अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ जाकर पता लगे हमने तो पैंट शर्टें चढ़ा ली है, वहाँ जाकर हमारा दोस्त फराज शलवार कमीज पहन के अरबियों वाला लिबास पहन कर आया हुआ हो, हम उसको देखकर हैरान हो रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। ये देखिए जी, ये पहले एक फ्राज हमें मिल चुका है। जी इस्माइल भाई, दोस्त आ रहे हैं, तो दोस्त के लिए क्या लेके जाएं? क्या दोस्त आ रहा है, दोस्त के लिए मैं सोच रहा हूँ कि फूलों वाला क्या आ गया। फूल तो सब लेके जाते हैं यार, हमेशा लेके जाते हैं, हम अपने दोस्त के साथ ना कुछ नया करते हैं। क्या दोस्त के लिए ना हम, मैं कहता हूँ कि गजरे ले जाते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ नया हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली गजरे ले लिए हैं फ्राज के लिए। वैसे ना यार मोहसिन, मेरा माइंड पता क्या था, क्या कि जो मैं रात वाले दिन हमें ना कहीं से रिकवरी नहीं हुई, जो टोपियां कस्टमर ने हमें बनाई है ना, उसमें से एक आधी टोपी निकाल फराज को पहना देते हैं। क्या सही कह रहे हैं, गजरे भी यार इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। इसको पहना के साथ हमने वो वाला गाना लगाना है, गजरा रे गजरा रे तेरे काले काले नैना। जी फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, तो अब जाके उसे देखते हैं, पहले ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको रिसीव करते हैं, फिर आगे का आपको शुगल मिला दिखाते हैं। A few moments later. जी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उसका नंबर ऑन हो चुका है, अभी रास्ता हुआ है। आधे घंटे का उसने मुझे कहा है कि आधे घंटे बाद मैं बाहर आ जाऊँगा। अभी तो फिलहाल उसे देर थी, तो हमने सोचा कुछ खा लें, तो अब शॉप पे आए हुए हैं, कुछ देखते हैं खाने के लिए। An hour later. जी ये फराज पहुंच गया है और इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम फाइनली फराज को पिक कर लिए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और अभी थोड़ी देर तक हम इसे गजरे भी पहनाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्त को वेलकम करने के लिए गजरा पहनाना शुरू कर दिया। नहीं, दूसरे हाथ में भी फराज साहब दूसरे हाथ में, फिर बेशक आप उतार दीजिएगा। देखिए ना, वेलकम करना था। ठीक है दोस्त, एक मैं पहले तो हाँ ऐसा कर लो। हम दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना। नहीं बहने लग रही है। जी पिक शिक कर लिया था और गजरे वगैरह भी बना दिए थे, वेलकम भी कर दिया था, तो अब जा रहे हैं घर इसे ड्रॉप करने के लिए। फिर ड्रॉप करते हैं क्योंकि इसने फैमिली को सरप्राइज देना था, तो ये फैमिली से मिल ले। 1 minute 37 seconds later. हम घर पहुंच चुके हैं फराज के, तो अब फराज को ड्रॉप करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, जी है जी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भाई आपके लिए है। और थैंक यू फराज भाई, इसमें से एक एक खा के आज मुझे वापस। ऐसे करें फिर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये गिफ्ट देने का, बाकी एक एक नहीं, अब ये हम सारी खा के फिर आपको वापस करेंगे। फ्रेश हूं, इजी हूं, फ्रेश हूं, नींद पूरी करें थोड़ी सी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे।
फ्रास को ड्रॉप करने के बाद याद है लास्ट थर्सडे को जो हम रिकवरी करने के लिए गए हुए थे, तो एक सोफे वाले भाई ने हमें इन्विटेशन दिया था, DHA में एक्सपोज लगी हुई है, तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं। फिलहाल हम रास्ते के अंदर हैं। एंटर हो चुके हैं, अब सीधा जा रहे हैं दी एरिना के अंदर। जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्सपोज पे, और जिनका मैं आपको कह रहा था जिन्होंने हमें इनवाइट किए हैं, ये हैं SM भाई। अस्सलाम, क्या हाल है SM भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अब SM भाई से हम पूछते हैं ये जो एक्सपोज लगी हुई है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं और सारा कुछ पूछते हैं। आज आप खड़े हैं DHA मुल्तान अरीना एक्सपो में, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को तक ये मौजूद रहेगी। इसमें हम आपको दिखाएंगे बेड, ये देखिए हमारे फर्स्ट डिज़ाइन जो कपड़ा डिज़ाइन है, ये ग्लास पॉलिश के अंदर बनाया हुआ हमने। इसकी ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग आपको दिखाएंगे। इसमें दो मिरर हैं, एक स्टैंडिंग मिरर है, फुल ड्रेस आप देख सकते हैं, और दूसरा शॉर्ट है। और इसकी साइड टेबल्स आप दिखाएं, साइड टेबल और $50,000 है। और इस के अंदर ये सेट हाई क्लास पॉलिश में बना हुआ है, हर तरीके से यूज़ करें। इसमें ब्रास का इस्तेमाल है, मॉडर्न दौर के हिसाब से ग्लास पॉलिश का इस्तेमाल है, इम्पोर्टेड कोशिश लगी हुई है, हर चीज़ इस बेड में आपको मिलेगी। आपको हमारी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कॉर्नर सोफ़ा जो 10 सीटर है, इसको आप दिखाएंगे एक व्यू। आप इसको देखेंगे जो ये जगह है इसके नीचे, यहाँ पे आप बुक्स शोपीस रख सकते हैं। ये इसका एक आर्म है, और ये 10 सीटर कॉर्नर है जिसकी ये सारी सिंगल सीट्स हैं, अलहदा अलहदा आप अपने साथ सेटिंग कर सकते हैं। वो रिलैक्सर है इसका, रिलैक्सर से टेबल अटैच है, आप टेक लगा के टीवी देख सकते हैं सामने, और विथ टेबल 4 स्टूल। और ये 10 सीटर का अंदर हम इधर डिस्काउंट पे दे रहे हैं 170 में, 1,70,000 में। हमारे दो सोफ़ा डिज़ाइन की तरफ, फर्स्ट सोफ़ा तो जो काफ़ी नाइस कलर में पड़ा हुआ है, जिसके ब्रास की लेग्स हैं, साइड पे टोटली ब्रास इस्तेमाल किया हुआ है, और ये हम दे रहे हैं 5 सीटर 70,000 का डिस्काउंट पे। और इसके बाद एक और सोफ़ा है जो हम 60,000 का दे रहे हैं, काफ़ी सेल होने वाला सोफ़ा है, ऑफिस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, घरों में भी, वो काफ़ी अच्छा नाइस सोफ़ा है, ये हम दे रहे हैं 60,000 का 5 सीटर। जी अब फाइनली हम ये सारे एक्सपोज वगैरह के बारे में पता कर लिए, तो अब SM भाई से इजाज़त लेते हैं। तो इंशाल्लाह कभी भी आपने मुल्तान आएंगे तो हमारा शोरूम है पीर खुर्शीद कॉलोनी दुर्गश रोड मुल्तान, तो वहाँ पे रॉयल इंटीरियर एंड फैब्रिक के नाम से डिस्काउंट आपको हमारे शोरूम पर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। ठीक हो गया सर असद भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। जी अभी अभी मैं घर पहुंचा था, और उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और बाकी जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलते हैं।